गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, आपके रेगुलर क्लास हो चुके हैं, एग्जाम भी सर पे है, अब तो अभी पढ़ना पड़ेगा है ना। अब तो ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होना नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों को मैथ्स बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बट आपको कैसे लिख जाते हैं ये किसी में। अब हम देखेंगे कि हम उन चैप्टरों को सबसे पहले करेंगे रिवाइज जिसके वेटेज ज़्यादा है। तो यदि हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड चैप्टर का वेटेज क्या बहुत ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड में भी 2.5 एक्सरसाइज 2.5 उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले 2.5 से स्टार्ट करें, ठीक है। और ये पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है कुछ फॉर्मूले पे, और हम फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहे, सिंपली आपको फॉर्मूला याद करवा रहे कि कैसे हमें याद करना है, किन किन फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी, इस पूरे चैप्टर में हम फॉर्मूलों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। सो अब हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर टू में कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लिए क्या है, और यहाँ की बहुत ही जरूरत है, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, क्योंकि क्लासिक सेवन से प्रकार है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जो पहला क्वेश्चन है वो इस दो फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से 2.5 का एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट सारी चीजें बन जाएगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, मल्टीप्लाई करो कॉमन ली एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स हमने कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा ए इंटू बी। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यदि हम इसको यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए फॉर्मूला बनाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, इसको हम क्या करेंगे इस पार लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का, प्लस का है इस पर जाएंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का, एडिटिंग हमें यहाँ पे बना रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के लिए तो माइनस को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ठीक है बेटा। ऐसे हम देखते हैं हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ये वाला पोर्शन, हमने इसी पोर्शन को तो ये वाला पोर्शन बना दिया, ठीक है। अब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था। अब आते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान देना माइनस का होता है लेकिन इसके अंदर प्लस आते हैं दोनों, इसके याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, अब क्या करें ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसी फॉर्मूले को जब आप तोड़ लें एक स्टेप और आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इसको मैसे भी लिख सकते, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी क्या हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, सेम देखो हमें केवल इसमें माइनस की जगह साइन हम ये देखेंगे, देखो स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखो क्यों माइनस यहाँ पे क्या था प्लस का टू ए बी, तो टू की जगह टू आ गया, और देखो ए और बी दोनों में एक माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ गया, फिर क्या है प्लस का टू बी सी तो टू की जगह टू आ गया, बी और सी दोनों माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस का टू बी सी हो गया, समझ पा रहे ना प्लस टू सी ए, देखो सी और ए में एक में माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस टू सी ए, ठीक है बेटा। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, यदि कोई ऐसा आपका क्वेश्चन इसमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री ए बी सी, कब होगा भाई जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे को फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री ए बी सी।
अब एक बड़ा सा फॉर्मूला जो बच्चे अक्सर डरते हैं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबी, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 12 पे। फॉर्मूला नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूले को हम एक स्टेप तोड़ते हैं, जैसे माइनस वाले में क्या क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए ए थ्री का स्क्वायर बराबर टू क्या होता हो जाएगा ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी, और यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस ही आ जाएगा थ्री ए और बी को भी समझ में थ्री ए बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पर ये यूज करिए या फिर ये फॉर्मूला यूज करिए, है ना। अब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारे मेन ये 13 फॉर्मूले हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, लर्न करना है। और अब एग्जामिनेशन का टाइम है तो हमें डेरिवेशन कैसे आया, फॉर्मूले डेरिवेशन ये सब फालतू टाइम वेस्ट करना है। बहुत सारे चैनल वाले आपको दिखाएंगे ये फॉर्मूले ऐसे बनाओ ये करो, याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, यदि आप फॉर्मूले डिराइव करते रहेंगे एग्जाम में तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लर्न करना है, बाय टर्म याद करना है, आपके टिप्स होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करते हैं हम 2.5 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तब तक आप इस फॉर्मूले को लर्न करो, मैं आपके सामने तुरंत लेके आ रहा हूँ 2.5 का सॉल्यूशन।